नमस्कार। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में पशुपालन और खेती, ये दो महान क्रांतिकारी परिवर्तन थे। मनुष्य को पशु को पालना आ गया और खेती करना, ये दो ऐसे उसको जानकारी प्राप्त हुई जो आप उसके जीवन में सबसे महान आविष्कार में एक कह सकते हैं। भारत जो धर्म प्राण देश है, भारत के जब दो राजा आपस में युद्ध करते थे तो उनकी नीति होती थी, उनका धर्म होता था, वह यह होता था कि राज्य की हमारी सेना अपने युद्ध में राज्य के किसानों की और उनके खेती का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान या उनकी हानि न पहुंचाए। उसके पीछे कारण भी था, क्योंकि राज्य का आय का मुख्य स्रोत कृषक था, किसानी था, खेती था। अन्य भी थे, श्रमिक थे, कारीगर थे, व्यापार था, लेकिन उसमें मूल जो था उसका वह किसान था। तो भारत का जो कृषक था वो बहुत लंबी परंपरा का वाहक रहा है। अंग्रेजों का काल एक ऐसा काल आता है जिनकी एक नीति थी कि भारत का शोषण हम कितने अच्छे तरीके से हम कर लें। दादा भाई नेहरू जी ने, आरसी दत्त ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको बहुत अच्छे से रखा है कि अंग्रेजों की नीति भारत का सिर्फ और सिर्फ शोषण करना है, उसका सिर्फ आर्थिक एक प्रकार निकासी करना है। तो भारत का किसान यहां बहुत संघर्ष करता है, अकाल को झेलता है। 1812 में एक ऐसा वर्णन होता है, अंग्रेजों का गजट है, कि बरेली मंडल में 1812 के गजट में, जिस समय देश में अकाल था, एक प्रसंग इतिहासकार कोट करते हैं, बरेली मंडल में अकाल था, अंग्रेज पूरे देश से लगान वसूल रहे थे, देश में उस समय अकाल पड़ा था, कई वर्षों का काल था, बरेली से कोई लगान नहीं आया। अंग्रेज सरकार का पत्र बरेली के कलेक्टर को गया, अभी तक आपके यहां से कोई लगान नहीं पहुंचा। कलेक्टर ने जवाब दिया कि यहां पर घास के तिनका के अलावा और कुछ नहीं उगा है। अंग्रेज सरकार का जवाब आता है कि घास के तिनकों को ही बेच करके हमारा लगान चुकाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे लिए वह घास ही महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि भारत और भारत के किसानों की क्या दुर्दशा रही हो। देश आजाद होता है, देश के आजादी के समय में सकल घरेलू उत्पाद का कृषि का जो भाग था वह 54% से ज्यादा था, सर्वाधिक था, और आज वह 16-17% है। यह कैसे हुआ? जब देश आजाद हुआ तब तो किसान की उन्नति होनी चाहिए थी, भारत का किसान मालदार होना चाहिए था। आज आप गांव में चले जाइए तो खेती करने वाला कोई नहीं मिलता। किसानों की नीति बन गई है, या नियति भी बन गई है, कि लोन लेना, और सरकारों की नीति बन गई है, राजनीतिक दलों की नीति बन गई है, कि अपने चुनाव के समय में वायदे करना कि हम जो तुमने कर्ज लिया है उसको माफ कर देंगे। वास्तव में जो कृषक होता है वह जल्दी कोई बैंक से कर्ज नहीं लेता है। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी का कृषि अधिनियम 2020, जो किसानों की उन्नति के लिए, और सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले कई वर्षों से सीमांत किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए जो उनको एक प्रकार से सहायता दे रही है, वर्ष भर में 6,000 रुपये की राशि उनको 2,000 रुपये में देती है, ये उत्साहजनक है। और हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले सरकारों को यह करना पड़ेगा कि भारत के जो युवा हैं, भारत की जो जनता है, जो कृषि और किसानी से विमुख हो गई है, वह ऐसी नीति बने कि वह किसानी की तरफ लौटे, और आत्मनिर्भर भारत में कृषक और किसानी सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। यह भी देखना होगा कि आज IIT और IIMs के क्षेत्र के बच्चे, जिनको करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता था, उसको छोड़ करके वह अब किसानी का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण के ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे युवा प्रतिभा अपना दिखा रहे हैं, ये उत्साहजनक है। तो सरकार के सामने चुनौती है, क्योंकि अब तक जो लोग नीति बनाते थे उनकी नीति कैसी थी कि पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग के लोग जब देश के किसानों की नीति बनाते थे, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आज देश के किसानों के, गांव के किसानों की हालत क्या है, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो उस योजना आयोग के अधिकारी का वक्तव्य था कि हम इतनी फिल्में देखते हैं
वो भारत के गांवों का वर्णन करते हैं, तो फिल्मों के आधार पर गांवों और गांव के किसानों की दशा को वो आंक लेते थे। क्या ऐसे देश को जाना जा सकता है, क्या ऐसे देश को किसानों जाना जा सकता है? यह एक उत्साह का समय है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के बारे में बहुत ईमानदारी से सोचा है। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनका व्यापार बढ़े, तो ये बहुत उत्साहजनक है। और सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं कि देश की जनता किसानी की तरफ मुड़े, ये बहुत बड़ा विषय है। हम समझते हैं इसको सकारात्मकता रूप में लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और किसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।